और अब खबरें विस्तार से। देश का सरकारी सिस्टम अपने कामकाज के तरीके को लेकर हमेशा से सवालों के घेरे में रहता है। सोचिए क्या किसी रिटायर अफसर को सस्पेंड किया जा सकता है? आम आदमी का जवाब होगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यूपी में ऐसा ही हुआ है। मामला गोंडा में घाघरा नदी पर बने एल्गिन चरसड़ी बांध के टूटने का है। एल्गिन चरसड़ी बांध टूटा तो भ्रष्टाचार की शिकायत हुई थी और इस शिकायत पर कार्रवाई हुई। प्रमुख अभियंता बाढ़ एस के वर्मा ने इस मामले में रिटायर्ड इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। चरसड़ी बांध बनाने के मामले में हुए भ्रष्टाचार के केस में चीफ इंजीनियर ने रिटायर हो चुके इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। प्रभाकर नाम का ये इंजीनियर मई में ही रिटायर हो चुका है और अगस्त के महीने में चरसड़ी बांध टूट गया है। बाढ़ टूटने से नखरा, गौरा, सिंघानपुर, काशीपुर, प्रतापपुर और घर कुइया समेत एक दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ में डूब गए थे। और इसी खबर पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता अंबिकेश्वर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबिकेश्वर, ये कहें कि जिम्मेदारियों पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है, लोगों को बचाया जा रहा है जो असल तौर पर इसके लिए जिम्मेदार है। ये देखिए, जो एल्गिन चरसड़ी बांध है ये पहले से ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ बांध था। ये बांध इसीलिए बनाया गया कि लगातार भ्रष्टाचार उस बांध पर चलता रहे, तो उसी का ये नमूना मात्र है। बांध टूटने के बाद वहाँ जो जिम्मेदार लोग थे उनको बचा लिया गया, उनको उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। जो लोग अटैच किए गए थे बांध पर, बांध टूटने के दिन जिनको वहां की जिम्मेदारी दी गई थी, या जो ये प्रभाकर जी हैं ये रिटायर हो गए थे, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गाज गिरा दी गई। ये रिटायर हो गए और इनको रिटायरमेंट होने के बाद इनको अगस्त में सस्पेंड कर दिया गया बांध टूटने के बाद। बिल्कुल अंबिकेश्वर, लेकिन रिटायर्ड इंजीनियर को कैसे सस्पेंड किया जा सकता है? क्या सफाई आई है इस मामले पर? कुछ अभी तक कोई खुलकर के सामने इस बात पर बोलने को तैयार नहीं है। रिटायर्ड कर्मचारी को सस्पेंड किसी कीमत पर नहीं किया जा सकता, ऐसा सभी का कहना है। हाँ, उसका वेतन रोक सकते हैं या और भी कोई कार्रवाई जो हो सकती है वो कर सकते हैं, लेकिन सस्पेंशन का कोई मतलब ही नहीं कि वो नौकरी में ही नहीं है, कार्य ही नहीं कर रहा है, तो सस्पेंशन कैसा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंबिकेश्वर इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी और जिसकी जांच लगातार चल रही है, लेकिन ये अजब कारनामा देखिए, जो इंजीनियर रिटायर्ड है उस पर ही एक्शन लिया जा रहा है। एल्गिन चरसड़ी बांध जब बना शुरू हुआ था तभी से इसे लेकर विवाद होता रहा है। 14 करोड़ में बने बांध की मरम्मत में 77 करोड़ 94 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बांध को बनने और मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। घाघरा नदी पर जब एल्गिन चरसड़ी तटबंध बनाया गया था उस वक्त दावा किया गया था कि इस बांध से 175 गांवों के लाखों लोगों की सुरक्षा होगी और लाखों हेक्टेयर फसल को बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा। लेकिन निर्माण से लेकर अब तक ये बांध कई बार कट चुका है, जिसका नतीजा ये है कि 14 करोड़ में बनने वाले इस बांध पर अब तक 77 करोड़ 94 लाख रुपए मरम्मत कार्य पर खर्च हो चुके हैं। एल्गिन चरसड़ी तटबंध को 2005 में 14 करोड़ रुपए खर्च कर बनाया गया था। इस वर्ष जो है बाढ़ कार्यों के लिए 5 करोड़ का इनको अलॉटमेंट मिला था, जिसमें 2.5 किलोमीटर में गटर्स और इस पर की मरम्मत करवाए हैं और बाकी बंदों की मरम्मत हुई है। अभी अभी जो खर्च हो रहा है वो क्या इससे अलग है? अब ये तो फ्लड फाइटिंग में हो रहा है, ये लगभग अब जितनी बोरियां डाल रहे हैं हम 1-2 लाख रुपए पर डे के रेट से हो रहा है। ये तो इसकी जो एक्सपेंडिचर आ रही है, रिपोर्ट हो रही है, वो ये है कितनी, कई 2 लाख पर डे। लेकिन बांध टूटने की वजह से मरम्मत कार्य में हुए खर्च पर नजर डालें तो 2009 में 8 करोड़ 58 लाख रुपए, 2010 में 9 करोड़ 23 लाख रुपए, 2011 में 12 करोड़ 68 लाख रुपए, 2012 में 9 करोड़ 46 लाख रुपए, 2013 में 9 करोड़ 92 लाख रुपए, 2014 में मरम्मत कार्य में 11 करोड़ 40 लाख रुपए, 2015 में 10 करोड़ 84 लाख रुपए और 2016 में अब तक 5 करोड़ 83 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 5 करोड़ में इस वर्ष कटर भी बनाए गए हैं तो 2 लाख रुपए प्रतिदिन फ्लड फाइटिंग के नाम पर खर्च हो रहा है। इस तरह कुल 24 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मरम्मत कार्य में खर्च हो गई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह आम लोगों को मदद पहुँचाने के नाम पर सरकारी सिस्टम काम करता है। जी ये तो पैसा सर सरकार बता सकती है, लेकिन हमको ये कारण बताया जाए सर कि
किस कारण से ये बांध हर साल काम लगता है, हर साल कटता है, और सिरौली आदमपुर या कोई जगह पर एक बार बांध बंधा उसी जगह पर बांधा जाता है, इस पर क्यों क्यों हटा हटा बांधा जाता है, इसका क्या कारण है? मैं किससे पूछूं? मैं तो काश्तकार हूं, सरकार ये उल्टा फेरी कर रही है। वहीं कई स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर ये बांध नहीं बना होता तो बेहतर होता, क्योंकि हर साल बांध टूटने के चलते उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बांध न रहने पर पानी फैलता और निकल जाता, लेकिन जब बांध कटता है तो पानी वेग के साथ आता है और सब कुछ बहा कर ले जाता है। लव होता तो अच्छा पहले था, इस है बहुत नुकसान है। क्या नुकसान है? बांध होने से क्या नुकसान है? नुकसान काश्तकारों के पास गल्ला कभी। अच्छा, बांध नहीं जब अब हो गया हाँ। तो तुम्हारा तो फसल बच रहा है ना? लहे नुकसान हाँ। है, कीले लगते हैं ज्यादा, कीड़े कीड़े। अच्छा, बांध नहीं था तब क्या फायदा था? हाँ, जब पानी जाता तो कीड़े सब साफ हो जाते, फसल ज्यादा होता। घूसखोरी, काला बाजारी या व्यभिचार है, कौन है जो कह रहा भारत में भ्रष्टाचार है? घाघरा की बाढ़ में जब गांव सारे बह गए, बस यहां उस दिन ही इनके बंगलों में त्योहार है। जाने माने शायर अदम गोंडवी की ये लाइनें इस एल्गिन चरसड़ी तटबंध से जुड़ी सारी हकीकत चंद लफ्जों में बयां कर देती हैं। अंबिकेश्वर पांडे, इंडिया 24/7, गोंडा, यूपी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारी बारिश और बाढ़ से बिहार का बुरा हाल है। बाढ़ से आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ती ही जा रही हैं। कटिहार के कुर्सेला मधेली में गंगा और कोसी का बढ़ता जलस्तर लोगों को डरा रहा है। रिंग बांध के टूटने से किसानों के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। किसान जान जोखिम में डालकर अपनी मेहनत की फसल को बचाने में जुटे हैं। इलाके में भारी बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। हालांकि सरकार का दावा है कि वो बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ है, लेकिन इलाके के लोगों को अब तक मदद नहीं मिल सकी है। तो रिंग बांध के टूट जाने से हर तरफ से नुकसान की खबरें ही सामने आ रही हैं। हमारे जितने माँ बहन हैं, उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने की हम कार्रवाई कर रहे हैं। सारे लोग लगे हुए हैं। राहत के लिए हमने स्पष्ट निर्देश दिया है, अनुमंडल पदाधिकारी यहाँ है। तो किसानों के सामने उनकी फसल बर्बाद हो रही है, और ऐसे में लगातार कोशिशें हो रही हैं किसान की तरफ से कि कैसे इस स्थिति से निपटा जाए। बिहार में बाढ़ की मारी जनता के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। सरकारी मदद नहीं मिलने पर लोग अब मंत्रियों पर गुस्सा उतार रहे हैं। वैशाली जिले में बाढ़ प्रभावितों से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का लोगों ने घेराव किया और मदद न मिलने का आरोप लगाते हुए जमकर अपनी भड़ास निकाली। उपेंद्र कुशवाहा महनार थाना के हसनपुर में बाढ़ प्रभावितों से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जनता के गुस्से के आगे उनकी एक न चली। लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की तरफ से उनकी परेशानी सुनने अब तक कोई नहीं आया है। हालांकि इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने स्थानीय लोगों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन आम लोगों के गुस्से के आगे उनकी बोलती बंद हो गई। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हाजीपुर से हमारे संवाददाता विकास आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, यहां पर उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे थे पीड़ितों की समस्याओं को सुनने के लिए, लेकिन यकीनन जिस तरीके की मुसीबत में लोग हैं तो गुस्से का सामना भी उन्हें करना पड़ा इस दौरान। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोगों की हालत पूछने के लिए मंत्री जी गांव पहुंचे थे, पहले तो अपने घर गए और घर के तुरंत बाद अपने आसपास के जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं उसको घूमने गए थे। जैसे ही वो हसनपुर के पास पहुंचे, लोगों ने उन्हें घेर लिया और जमकर वहां के स्थानीय एसडीओ के खिलाफ नारेबाजी की, उन्हें उनके स्थानांतरण की मांग की और उन्हें तब तक रोके रखा जब तक उन्हें पुख्ता आश्वासन नहीं मिला कि उनके लिए रिलीफ की व्यवस्था की जाएगी। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक ये खेल चला और तब जाकर जब बड़े पदाधिकारी वहां पहुंचे और लोगों को आश्वासन दिया गया कि आपके लिए सारी समुचित व्यवस्था की जा रही है, तब लोग शांत हुए और तब वहां से मंत्री जी निकल पाए। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक वो घिरे रहे लोगों से और लोगों को आश्वासन देते रहे, उनको समझाते रहे, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। जी बिल्कुल विकास, और जिस इलाके में मंत्री जी पहुंचे थे वहां पर किस तरीके की दिक्कतें हैं और अधिकारियों को अब किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं वहां की स्थिति से निपटने के लिए? जी पानी का की जो जलस्तर है वो तो काफी कम हुई है, लेकिन जो बताएं कि आपको अभी भी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है और लोग वहां किसी बहुत त्रासदी झेल रहे थे, लगातार जो समस्या है वो झेल रहे थे और जो सरकार की तरफ से जो रिलीफ मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा है। अभी भी घरों में काफी पानी घुसा हुआ है जिस कारण से लोग काफी नाराज है,
उनको खाने तक की दिक्कत हो रहा है। बड़े लोग तो काफी फिर भी ठीक है, लेकिन बच्चों की स्थिति, अपने बच्चों की स्थिति देख करके वो लोग बिल्कुल तो हर तरफ मुश्किलों से घिरे हुए लोग नजर आ रहे हैं। और इसी के चलते यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर उन्हें लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास इस जानकारी के लिए।